एप्लीकेशन और लेटर की चॉइस में हमारे पास एप्लीकेशन का फॉर्मेट देखने के लिए मेरे पास फॉर्मेट मौजूद है द प्रिंसिपल के, चूँकि सारे प्रिंसिपल के नाम लेटर्स हैं, एप्लीकेशन हैं, ये लेटर में ही फॉल करते हैं, लेकिन हमारे सिस्टम में लेटर एप्लीकेशन अलग अलग हेडर के साथ पढ़ाए जाते हैं। डी का टी कैपिटल, प्रिंसिपल का पी कैपिटल, आमतौर पर बच्चे प्रिंसिपल के स्पेलिंग गलत कर देते हैं, पी एल ई उसूल के लिए वो वाले लिख देते हैं। इसके अलावा बच्चे कॉलेज के स्पेलिंग भी गलत करते हैं। बहुत सारे अच्छे बच्चों की इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप पढ़ा रहे हो तो सारी तरह के बच्चों से बात हो रही होती है। द प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज की जगह पर कोई और कॉलेज नहीं लिखना है, लोग इस पर ए डॉट बी डॉट सी डॉट कॉलेज भी लिखते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज से मुराद है ऑल गवर्नमेंट कॉलेजेस, तो इस तरह ये लिखा जा सकता है। उसके बाद सिटी लिखी और उसके आगे डॉट, सर या मैम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बच्चे लिखते हैं और उनको लिखने की इजाज़त है कि आप कुछ भी लिखना चाहें। रिस्पेक्टेड मैम, रिस्पेक्टेड सर भी लिखा जा सकता है, ऑनरेबल मैम, ऑनरेबल सर भी लिखा जा सकता है, लेकिन आप डायरेक्ट सर या मैडम लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे बॉडी के आखिर में योर्स, ओबीडियंटली, योर्स का वाई कैपिटल है, योर्स के ऊपर हम अपोस्ट्रोफी नहीं डालते, ओबीडियंटली यहाँ ओबीडियंटली लिखा जाएगा, एक्स डॉट वाई डॉट जी डॉट। अक्सर बच्चे पूछते हैं कि लेटर एप्लीकेशन अगर प्रिपेयर करनी हो तो क्या करना बेहतर है। मेरा अपना ये मानना है कि दोनों बराबर वेटेज के हैं। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देने वाले बच्चों से जब फीडबैक ली जाती है तो उन्होंने, बाज़ ने एप्लीकेशन लिखी और उसमें मैक्सिमम स्कोर किया, और बाज़ ने लेटर किया और उसमें मैक्सिमम, तो लिहाजा ये सारी की सारी मिथ्स हैं कि किसको करें क्या होता है। अगर दोनों में से किसी भी एक चीज़ को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके मुकम्मल एहतमाम के साथ किया जाए तो इक्वली मार्क्स अवॉर्ड किए जाते हैं, तो बच्चा जिसमें कंफर्टेबल फील करता है वो कर ले, इसमें कोई मसला नहीं। आइए हम कुछ सैंपल के तौर पर एप्लीकेशन भी देख लेते हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर फी कंसेशन, बड़ी पॉपुलर एप्लीकेशन है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट की, स्कूल लिविंग, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट की, और ये सिक लीव और इस तरह की चीज़ें ज़्यादातर पूछी जाती हैं। द प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, उसी तरह से फॉर्मेट को एड्रेस कीजिए, रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम आप शुरू में लिखिए। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ इंटरमीडिएट पार्ट वन इन योर एस्टीम्ड कॉलेज, आपके मुकाम वाले इज्जत वाले इदारे में मैं पढ़ती हूँ। आई बिलोंग टू पुअर फैमिली, हमारा ख़ानदान ज़्यादा खाता पीता माली तौर पर खुशहाल नहीं है। माई फादर इज़ अ शॉपकीपर, बाबा दुकान चलाते हैं। ही इज़ द ओनली ब्रेड विनर ऑफ माई फैमिली, आर फैमिली, हमारे ख़ानदान के अकेले वो कमाने वाले शख्स हैं। ही हैज़ टू सपोर्ट अ फैमिली ऑफ सिक्स मेम्बर्स विद अ मीगर इनकम, छोटी सी आमदन के साथ छः कुटुंबा उन्होंने चलाना है। ड्यूरिंग माई हाई स्कूल आई हैड बिन ग्रांटेड अ फुल फी कंसेशन ड्यू टू पॉवर्टी, गुर्बती की वजह से स्कूल में भी मुझे फुल फी कंसेशन दी थी स्कूल वालों ने। नाउ आई एम हियर एट योर कॉलेज टू परसू माई ड्रीम्स, अब अपने ख्वाबों की ताबीर की तलाश में मैं आपके इदारे में मौजूद हूँ। आई वॉन्ट टू बिकम ए बैंकर, मैं एक बैंकर बनना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू सपोर्ट माई सिबलिंग्स इन देयर स्टडीज़, सिबलिंग्स बहन भाई को कहते हैं, और मैं अपने बहन भाइयों की तालीम में उनकी मदद भी करना चाहती हूँ। माई फादर इज़ नॉट इन ए पोजिशन टू अफोर्ड माई कॉलेज एक्सपेंसिस, बाबा की इतनी आमदन नहीं है कि वो मेरे कॉलेज के अखराजात उठा सकें। आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी फुल फी कंसेशन सो दैट आई मे कॉन्टिन्यू माई स्टडीज़, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे पूरी फ़ी की छूट दे दीजिए ताकि मैं अपनी तालीमी मामलात को जारी रख सकूँ। अदरवाइज़ आई हैव टू क्विट माई स्टडीज़, बसूरत दिगर मुझे अपना जो पढ़ाई के मामलात हैं, तालीमी मामलात मौखर करना पड़ेंगे। आई होप यू विल कंसिडर माई रिक्वेस्ट सिंपथेटिकली, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी दरख्वास्त पर हमदर्दाना गौर करेंगे। थैंक यू यू इन एंटिसिपेशन, मेरी तरफ से शुक्रिया, योर्स ओबीडियंटली एक्स डॉट वाई डॉट जी डॉट। सो इस तरह से हम एप्लीकेशन की इस प्रैक्टिस को बंद कर सकते हैं। जितनी भी रिपीटेड एप्लीकेशन हैं बोर्ड के एग्ज़ाम्स में, वो प्रिपेयर करके जाना चाहिए ताकि कोई वहाँ दिक्कत नहीं हो।